थी जिनके कारण मैं समझता हूँ कि काफी दिक्कतें थी। वे कानून था भूमि का लैंड लॉज में कि एप्पल आर्चर्ड अगर आपको लगाना है तो रेवेन्यू मिनिस्टर से परमिशन चाहिए और काटना है तो भी चाहिए। तो उसको थोड़ा उन्होंने बदल दिया, लगाने के लिए किसी को किसी परमिशन की जरूरत नहीं। आप जितना चाहें एप्पल आर्चर्ड लगाना है तो लगाइए, कोई रोक नहीं है। काटने के लिए परमिशन जरूरी है। एक कानून था यहाँ की 4 कैनाल से कम जमीन है तो आप हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकते, उसको भी बदल दिया है। गरीब से गरीब आदमी जिसके पास सबसे कम जमीन है उसको सबसे ज्यादा जो है तो वो भी लगा सकता है। कुछ एरिया वाइज भी कानून थे, यहाँ ये हो सकता वहां नहीं हो सकता, उसको भी बदल दिया है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन था मैं समझता हूँ कि वो सब पूरी तरह से बदल दिया गया। सबको समान प्रकार की सुविधा और समान प्रकार के अधिकार देने की कोशिश की गई। ये सच है कि 2 वर्षों में मैं ये नहीं कह सकता हूं कि बड़ी भारी प्रगति हुई है, लेकिन जो आंकड़े अभी बोले गए देश के शीर्ष 5 राज्यों में किसानों की आमदनी के मामले में, जो शीर्ष 5 राज्य हैं उसमें हम भी अब शामिल हो गए। और ईमानदारी से कहें तो पंजाब हरियाणा के बाद अब हम ही हैं 3रे नंबर पर जो वर्चुअल। मुझे लगता है कि वो 3 साल का एक्शन प्लान डुएबल हो जो हम लोग कर सकते हैं, इसलिए बड़ी बात के चक्कर में मैं नहीं हूँ। मैं विशेषज्ञों से खासतौर से जो डॉक्टर मंगला राय जी, दलोई साहब और भी जितने लोग हैं और प्रगतिशील किसानों से जिन्होंने सीधा खेत में अनुभव किया, हरियाणा से हमारे भाई आए, इनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि थोड़ा हमारे किसानों को आप जरूर गाइड करिए, क्योंकि आपका जो ज्ञान होगा वो किसी ज्ञान से बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आपका ज्ञान अनुभव पर आधारित ज्ञान है, उससे सीधे लाभ मिलेंगे। तो मैं अनुरोध और दुलू साहब से अनुरोध करूं कि डॉक्टर मंगला राय साहब की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति आप बना दीजिए जो एक फाइनल ब्लूप्रिंट हमारे लिए तैयार कर दे। एक बात का हम तो अगर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना है, संपन्न बनना है, यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हैं तो किन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मोटे तौर पर मैंने अगर मैं कहूं तो 4-5 चीजें अगर हम ठीक कर लें तो हमारी दिक्कतें कम हो जाएंगी, हम एक अच्छी स्थिति में आ सकते हैं। जिसमें सबसे बड़ा क्षेत्र हमारा एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर, जिस पर कि आज हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरा एक क्षेत्र था इंडस्ट्री का जहां हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं ला सके थे। आजादी से लेकर 1 साल पहले तक मोटे तौर पर 14,000-15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था। अभी जब प्रधानमंत्री जी आए थे 24 अप्रैल को तो 38,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हम लोगों ने करी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 1 साल में 60-70,000 करोड़ के ऊपर जाएगा। विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि आज विषय दूसरा है, उसकी भी अपनी दिक्कतें, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। चौथा जो यहाँ की विरासत हमारा क्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, अनेक जो हुनर यहाँ के लोगों का है, उसको कैसे हम बड़े पैमाने पर एक बड़े कैनवास पर खड़ा करके देश और दुनिया में उसे कैसे ले जा सकते हैं। तो इन सब चीजों पर अलग अलग तरह से हम सब काम कर रहे हैं। आज मुख्य रूप से मैं समझता हूँ कि आज ये 2 दिन की जो कार्यशाला है ये जम्मू कश्मीर का भविष्य बदलने की क्षमता रखती है। मैं कोई बड़ी बात नहीं करने वाला हूं कि त्यागी जी को मैं बहुत ध्यान से सुना, मेरा उद्देश्य बहुत सीमित है। ये पॉलिसी क्या होगी एग्रीकल्चर की देश में, ये मेरे न चर्चा का विषय है न मेरे, मैं समझता हूं कि क्षमता और मेरे कार्य क्षेत्र में आता है। जम्मू कश्मीर में सही नीति क्या हो, हम अपने किसान को कैसे आगे बढ़ा सके, तो लेकिन एक्शन हम लोकल रखना चाहते हैं, क्योंकि एक्शन हम लोकल के बाहर नहीं ले जाना चाहते। जो बातें पहले कही जा चुकी हैं कितने प्रतिशत आबादी, उसको दोहराने का कोई मतलब मुझे नहीं है। विश लिस्ट हमारी भी बड़ी लंबी है लेकिन उस पर चर्चा करना
मुनासिब नहीं है। मैं